देश में बढ़ती जनसंख्या और खेती की जमीन में आ रही कमी के चलते लोग अब खेती के बदलते तरीकों को आजमा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ते प्रदूषण और रासायनिक खादों के चलते सब्जियों और फलों की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। वहीं शुद्ध सब्जियों और फलों के लिए महानगरों में किचन गार्डन लगातार लोगों की पसंद बन रहे हैं। जनपद में रहने वाले एक होटल कारोबारी अपने मकान की छत पर बागवानी कर सब्जियां उगा रहे हैं। लोगों को प्राकृतिक खाद से तैयार सब्जियां परोसने के लिए छत पर बनाए गए इस बगीचे में कई सब्जियां तैयार हो रही हैं। कारोबारी की इस पहल में स्थानीय लोग काफी प्रेरित हैं और खेती के इस तरीके को सीख रहे हैं। छत पर बगीचा तैयार कर उगा रहे सब्जियां, घर की छत पर सब्जियां उगा रहे कारोबारी अशोक कुमार मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन क्षेत्र में रहते हैं। इसके साथ ही पिछले कई सालों से होटल कारोबार से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ सालों में सब्जियों की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अशोक कुमार शुद्ध सब्जियां उगाने के तरीकों को तलाश रहे थे और आखिर में उनको तरीका मिल ही गया। बाजार से सब्जियां खरीदने की बजाय अशोक कुमार ने खुद सब्जी उगाने की ठान ली और मकान की छत पर 300 स्क्वायर फीट में बगीचा तैयार कर बागवानी शुरू कर दी। छत पर लोहे के जाल के जरिए 200 से अधिक बाल्टियों को गमले का रूप भी दे दिया। जहां इस बगीचे में कई किस्म की सब्जियां उग रही हैं, छत पर की जा रही इस बागवानी के जरिए हरी सब्जियां, लौकी, तुरई, धनिया, टमाटर, बैंगन उगाया जा रहा है। छत पर सिंचाई की व्यवस्था के लिए पानी की मोटर और ड्रमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सब्जियों को उगाने के लिए शुद्ध तरीके की खाद इस्तेमाल की जाती है, साथ ही पेड़ों की पत्तियां उपयोग में लाई जाती हैं। बागवानी से छत को सीलन से बचाने के लिए छत के ऊपर पत्थर की अलग परत बिछाई गई है। वहीं किचन गार्डन का यह चलन महानगरों के बाद अब छोटे शहरों में भी तेजी से बढ़ने लगा है। ट्रेनर दीपाली स्थानीय स्तर पर लोगों को किचन गार्डन बनाने की ट्रेनिंग दे रही है। उनका कहना है कि इस तरह के तरीकों से एक परिवार अपनी जरूरत के मुताबिक न सिर्फ सब्जियां उगा सकता है बल्कि अपनी सेहत भी सुधार सकता है। छतों पर तैयार सब्जियों का यह बगीचा आधुनिक वक्त की जरूरत बनता जा रहा है। छोटी जगह में बहुत कम लागत पर गमलों के जरिए भी शुद्ध सब्जियां उगाई जा सकती हैं। वहीं प्रदूषण और रासायनिक खादों के ज्यादा उपयोग के बाद लोग सेहत को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में अपने घर में उगाई सब्जियों और फल इस चिंता को कम करने का एक रास्ता दिखा दे रहा है। सब्जी में आजकल मिलावट है, पेस्टिसाइड वगैरह बहुत है। मेरा व्यापार भी रेस्टोरेंट बिजनेस का है और अपने ग्राहक से कहता हूँ कि मैं आपको स्वस्थ, एकदम स्वच्छ, ताज़ा भोजन खिलाता हूँ। लेकिन सब्जियाँ मिलती थी जहरीली, पेस्टिसाइड से मिली हुई, तो मुझे लगता था कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ। इसी चीज़ को प्रेरणा मानते हुए मैंने कोशिश की कि मैं अपनी सब्जियाँ ऐसी खुद पैदा करूँ जिसमें किसी खाद का, रासायनिक का या किसी पेस्टिसाइड का प्रयोग ना किया गया हो। तो प्रेरणा यहीं से मिली और मुझे कोर्स करने को मिल गया एक रविशंकर जी का, तो उससे मुझे शिक्षा मिल गई, इसकी रास्ता मिल गया आगे का। तो सर क्या क्या इसमें आपने उगा रखा है और क्या मतलब घर में भी यूज़ किया जाता है, इसके अलावा जो बचता है उसका क्या करते हैं? नहीं, हम घर में भी तो कोशिश करते हैं कि अपने घर की सब सब्जी यहीं की खाएं और रेस्टोरेंट के लिए भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ, लेकिन अभी रेस्टोरेंट की पूरी सब्जी हम यहाँ से नहीं दे पाते, अभी भी हम बाज़ार पर डिपेंड हैं। और सब्जी हमने भिंडी, बैंगन, क्योंकि खरीफ की फसल पीछे थी, अब तो नई फसल लग रही है, तो भिंडी, बैंगन, पालक, ये मेथी, ये चीज़ें बहुत हमने बोई थी पिछले दिनों में, और आजकल बीन्स चल रही है और हरी मिर्च वगैरह सब चल रही है। गोभी भी पिछले दिनों खूब अच्छी हुई थी, अभी भी है। सर क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके से आपने पहल की है, छत पर इस तरीके से आपने बगीचा बना दिया है और सब्जी है, तो क्या कहना चाहेंगे कि लोग इस तरीके से अगर करेंगे तो आने वाला जो समय है और ज़मीन भी की संख्या भी कमी होती जा रही है, अब आपने इस तरीके पहल के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, समस्या आजकल पर्यावरण से संबंधित पूरे देश में है, लेकिन मुरादाबाद सबसे ज़्यादा इस समस्या से ग्रसित है। यहाँ पर रामगंगा का पानी जो है वो जला जला कर ये जो धातु वगैरह निकालते हैं कंप्यूटर वगैरह के पार्ट से, इतना जहरीला कर दिया है, और वही पानी हमारी सब्जियों के लिए, रामगंगा के किनारे की सब्जियों के लिए प्रयोग होता है। एट लास्ट होता क्या है कि हमारे को और शहरों से भी ज़्यादा जहरीली सब्जियां प्राप्त होती हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि मुरादाबाद में हर एक कोई अपनी छत, लगभग सबकी छतें खाली पड़ी रहती हैं, किसी काम में ज़्यादा आती नहीं है। आजकल तो गर्मियों में छत पर सोने का भी चलन नहीं रहा, तो बेहतर है कि अपनी छतों पर अपने घर की सब्जी उगाएँ। एक तो पर्यावरण को शुद्ध करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, दूसरे ये जो आजकल वायु प्रदूषण इतना हो रहा है उसमें भी कमी आएगी, और अपने को तो निजी फायदा है ही है, सब्जियां बढ़िया मिलेंगी। क्या सीजन के हिसाब से आप खेती कर रहे हैं? सर खेती तो सीजन के हिसाब से ही होगी,
जिस सीजन में जो फसल हो सकती है वही होगी। इस समय जो है मतलब क्या इस समय चल रहा है? इस समय हमारे पास बीन्स की फली है, ऊपर बेलें लगी हुई हैं, ये सब आ रही हैं। और इसके अलावा हमारी भिंडी वगैरह भी जाती हुई बाहर है, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत मिल रही है, बैंगन भी मिल रहे हैं। और मुख्य रूप से हम जो कोशिश कर रहे हैं, हम 50-60 के दशक वाली सब्जियों के जो ओरिजिनल बीज थे उनको बोने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी पौधे समय की लगी रखी है, ये सब वही पौधे हैं जो छत्तीसगढ़ में या कालाहांडी की साइड में दक्षिण भारत में आज भी किसानों पर बचे हुए हैं। ये हमें हमारी संस्था की तरफ से प्रोवाइड कराए जाते हैं और हम इन्हीं बीजों को आगे बोकर कोशिश करेंगे कि बीज भी हमारे पास वही प्राचीन हो जिसमें कोई संकर वगैरह की किस्म की मिलावट नहीं की गई है। ये हमें सबको पता है कि केमिकल्स के यूज से आज हमारा एनवायरनमेंट, हमारा खाना, हवा, पानी सब कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, जहरीला हो चुका है। तो इस कोर्स के माध्यम से हम लोगों को इसी बात के लिए पहले तो जागरूक कर रहे हैं कि कितनी मात्रा में और किस तरह से हम लोग केमिकल टॉक्सिन इनटेक कर रहे हैं, और दूसरा इस कोर्स के माध्यम से हम लोगों को ये सिखा रहे हैं कि किस तरह से, किन तरीकों से अपने भोजन से और अपने पर्यावरण से हम उस केमिकल्स के जहर को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस कोर्स में हम कुछ ऐसे तरीके भी सिखाते हैं जिनसे आप अपने घर और आसपास का वातावरण केमिकल फ्री कर सकते हैं, और इस कोर्स के माध्यम से आप घर में ही अपनी ज़रूरत के लायक बिना केमिकल की सब्जियां गमलों में भी उगाना सीख सकते हैं, सीमित स्थान में भी। कितने लोगों को अभी तक लगभग आपसे? मैं मुरादाबाद में अभी तक लगभग 30 लोगों को ट्रेंड कर चुकी हूँ नेचुरल फार्मिंग में, जिसमें से कुछ लोग बहुत ही अच्छा मॉडल गार्डन अपना मेंटेन करके अपने घर की ज़रूरत के लायक सब्जियों का उत्पादन ले रहे हैं। अभी आप, हमने आपका गार्डन देखा, उसमें कौन कौन सी सब्जियां इस वक्त हैं और कितना उत्पादन हो जाता है? क्या एक परिवार की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त है? परिवार की ज़रूरत से ज़्यादा ही उत्पादन हो जाता है। मेरे गार्डन में इस टाइम टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च और इस सीज़न की सारी सब्जियाँ हैं, पत्ता गोभी, गोभी, मिर्च और पालक, बथुआ, सरसों, मेथी, धनिया, लगभग सभी तरह के शाक और सीज़न की सारी सब्जियाँ हैं। गाजर है, मूली है, शलजम, सभी कुछ है। मैं इसी से आपसे ये जानना चाहते हैं कि शहरी क्षेत्रों में खेती की जमीन का दायरा बहुत सीमट गया है, बहुत सारे लोग खेती करना चाहते हैं। किचन गार्डनिंग में कितनी संभावनाएं हैं और उसके लिए क्या क्या इंतजाम आपके पास होना चाहिए? देखिए, आप घर से छोटे स्तर से शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको कच्ची ज़मीन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में छोटे छोटे गमलों में भी अपने परिवार के लायक सब्जियाँ उगा सकते हैं। इसके लिए एक आदर्श जो स्पेस हमें चाहिए वो 16x16 फीट है, यानी आप 12 इंच वाले 16 गमलों से शुरुआत कर सकते हैं, और सिर्फ उन 16 गमलों की स्पेस में आप अपने परिवार लायक सफिशिएंट सब्जियां उगा सकते हैं। कहाँ से ये आइडिया आया था और कितना प्रभाव हुई? शौक मुझे शुरू से ही था, लेकिन अब इन कुछ सालों के अंदर जब देखा कि प्रदूषित रसायन मिले हुए खाने से लोगों को कितनी भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, केमिकल के यूज से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर जैसी बीमारियां लोगों को इतना बुरी तरह अपनी जकड़ में ले चुकी हैं कि कोई इलाज नहीं था उन लोगों के सामने इस बात के सिवा कि केमिकल फ्री अपने लिए खुद ही उगाना शुरू करें सब्जियां घर में। तो ये विचार मेरे मन में आया, मैं नेचुरल फार्मिंग के फील्ड से जुड़ी, आर्ट ऑफ लिविंग के अंडर मैंने ट्रेनिंग ली इसकी, मैं इसकी टीचर बनी और अब लोगों को मैं जागरूक कर रही हूँ इस बात के लिए कि वो केमिकल फ्री सब्जियाँ अपने लिए अपने ही घर में उगाना शुरू करें। अच्छा, जो सीख गए हैं वो किस तरह का आप देखते हैं उनमें और किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको अन्य लोगों से भी? मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि आज सभी लोग अपने स्वास्थ्य और अपने पर्यावरण के लिए बहुत जागरूक हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उनको रसायन मुक्त खाना अपनी प्लेट में मिले, जहर ना मिले। तो जितने भी लोग ये केमिकल फ्री फार्मिंग का कोर्स कर चुके हैं, सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से अपना गार्डन मेंटेन करके अपने लिए घर पर सब्जियाँ ग्रो कर रहे हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।